हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि ऐसा रोटी तवा बताया जाए जो कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो और साथ ही साथ हाइजीनिक हो। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो तरीके के रोटी तवे की जो कि बहुत ही स्पेशल हैं और जितनी कंपनियाँ हैं उनमें से बेहतर क्वालिटी के हैं, उसका भी कारण आपको बताएंगे। साथ ही साथ इसके बारे में डिटेल रिव्यू देंगे जिससे आपके लिए इन तवों को समझना और ख़रीदना आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये तवा दिखा देना चाहता हूँ जो स्टेनलेस स्टील का है, जो कि हॉकिंस की ट्राईप्लाई रेंज में आता है। यही तवा क्यों चुना? काफी कंपनियों में ट्राईप्लाई तवा आते हैं, बट हॉकिंस का चुनने का कारण यह हो जाता है कि 24 सेंटीमीटर का है, जो कि रोटी और चपाती के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, और प्योर स्टेनलेस स्टील का है जो कि 304 ग्रेड की स्टील है। अब यही तवा मैंने इसलिए भी चूज किया क्योंकि पहली चीज है इसकी प्राइसिंग, दूसरी चीज है इसकी प्रॉमिसिंग सर्विस, तीसरी चीज है इसका एमएम थिकनेस। अब मैंने यहां पे देखा है, आप देख सकते हैं कि कंपनी ने मेंशन भी करके दिया है 3.5 एमएम की थिकनेस के साथ दे रहे हैं। अब जरा इसको यहां पे भी देख लेते हैं, इतनी बढ़िया थिकनेस वाला तवा मैंने अभी तक देखा नहीं है, और साथ ही साथ हॉकिंग्स का भरोसा दिया हुआ है, 5 साल की गारंटी दी हुई है, तो जिसकी वजह से यह तवा बन जाता है मेरा फेवरेट रोटी स्टील का तवा। आजकल की डिमांड स्टील की ज्यादा है और साथ ही साथ इंडिया ही नहीं अब्रॉड में भी लोग ले जाना पसंद करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है और डिशवॉशर सेफ होता है। यहां पे आपको क्लियर रिपेट्स मिल जाती हैं दो, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की है, और यहां पे आपको मिल जाता है स्टे कूल हैंडल जो कि गर्म नहीं होता है। अब स्टील का तवा लेने का कारण भी लोगों का ये होता है कि एक तो हाइजीनिक सर्फेस हो जाता है और साथ ही साथ हमेशा आपका साथ देगा, क्योंकि स्टेनलेस स्टील ऐसा यूटेंसिल होता है जो काफी ड्यूरेबल होता है अगर वो सिंगल लेयर में भी होता है, बट प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे बर्निंग इफेक्ट होने लगते हैं। तो यहां पे इसको इतनी मोटी सी चादर दी हुई है जिसमें 3 लेयर है, जैसे आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, ऊपर नीचे स्टील लगा हुआ है और बीच में एल्युमिनियम दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो हीट होगी वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगी, आपका रोटी चिल्ला पराठा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनेगा। यहां पे हम दूसरा तवा लेकर आए हैं, हार्ड एनोडाइज का तवा, जो कि फ्यूचरा की तरफ से है। फ्यूचरा भी हॉकिंग्स का ही एक ब्रांड है जो कि आपको हार्ड एनोडाइज की बेस्ट क्वालिटी देता है ऑल ओवर इंडिया। अब फ्यूचरा का ये तवा लेने का कारण ये होता है क्योंकि फ्यूचरा में काफ़ी मॉडल्स आते हैं और ये वाला जो मॉडल है वो IRT 26 मॉडल जो आता है वो सबसे बेस्ट होगा, जो कि गैस इंडक्शन हीटर सेरेमिक सब पे चलेगा, बहुत ही क्लियर फिनिशिंग के साथ आता है, यहाँ पे स्टे कूल हैंडल के साथ आता है, डिश वॉशर सेफ होता है, और साथ ही साथ ये हार्ड एनोडाइज का शेप और साइज इतना बेहतर दिया हुआ है कि उसकी वजह से ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है फ्यूचरा का। काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं होती रोटी तवा के बारे में, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, 26 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर दोनों में ही आता है, और साथ ही साथ IRT 26 वाले का जो डिजाइन आपको दिया हुआ है मैं बता देता हूं। देखिए यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान मिलेगा कि यहां पे नीचे की तरफ से थोड़ा सा फ्लैट और यहां पे जरा सी ककड़ दी है, जिससे कभी भी अगर आप ऑयल लगाएंगे तो बहुत इजीली इसमें आप लगा सकते हैं, आपको ऑयल बाहर की तरफ गिरेगा नहीं, और साथ ही साथ अगर इसको आप अब्रॉड भी ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं क्योंकि यह हॉट प्लेट कंपैटिबल होता है, साथ ही साथ डिशवॉशर में आप इसको धुल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। अगर इसमें थिकनेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ये देखिए आपको थिकनेस मिल जाती है 4.88 mm, जिसकी वजह से कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता कि आपकी रोटी चिल्ला पराठा जले, और साथ ही साथ परफॉर्मेंस की बात करें तो हार्ड एनोडाइज ऐसा मेटल होता है जो कि कहा जाता है कि स्टील से ज़्यादा मजबूत होता है, तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप हार्ड एनोडाइज रोटी तवा लेना चाहते हैं या स्टील का रोटी तवा लेना चाहते हैं। दोनों की प्राइसिंग बहुत ही बेहतरीन होगी, मतलब बाकी कंपनी से अगर कंपेयर करेंगे तो कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये 1015 में आता है, प्लस इसमें जो भी ऑफर्स चल रहे हैं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वो हाँ आप देख सकते हैं। अगर आप स्टील तवे की बात करते हैं वो आता है 1100 रुपये का, जिसमें भी अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी गारंटी वारंटी की। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का जो तवा होता है वो आपको देता है 5 ईयर्स की गारंटी के साथ, और यहीं पर सेम यही गारंटी वारंटी के साथ भी मिलती है। ये हार्ड एनोडाइज का तवा फ्यूचरा की तरफ से आता है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का होता है। यहां पे फ्यूचरा की मार्किंग मिल जाती है, पेटेंटेड नंबर मिल जाता है जो कि आपके तवे का होगा, और साथ ही साथ आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परचेज कर सकते हैं जहां भी आपको भरोसा रहे, और साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि अगर ऑथराइज लिंक से ऑथराइज स्टोर से लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, भरोसेमंद प्रोडक्ट मिलेगा। तो दोनों ऑथराइज लिंक मैंने आपको दे दिए हैं, आप उसमें जाके इसके साइजेस देख के आप इसमें परचेज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों ही तवे आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे, बस ये चॉइस आपको करनी है कि आपको स्टील तवा यूज़ करना है यहाँ पे एनोडाइज तवा यूज़ करना है। एक चीज़ और आपको बता दूं, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि फ्रिज की बॉटल या ऐसी बॉटल जो कि यूनी स्टील में अच्छी क्वालिटी की हो, तो उसके लिए हमने मैक्सिमा का रिव्यू प्रॉपर तरीके से कर रखा है। तो ये मैक्सिमा की स्टील बॉटल्स आती हैं जो कि प्योर सेलम स्टील में होती है, चेन्नई की स्टील जो आती है बहुत ही ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर इंडिया, तो ये वाली बॉटल आप फ्रिज के लिए
एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो ये आप ले सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर और भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे नंबर व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, कोई एक अलग से अगर रिव्यू चाहिए तो वो भी हम आपको कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, साथ ही साथ आपको लगता है कि रोटी तवा ये बेहतर होगा, तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन किचन स्टोर के यूटेंसिल्स की वीडियोस हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।